Hello student, this is the first video of हिंदी व्याकरण for class 2nd and 3rd. बच्चों, आज हम आपके व्याकरण के first lesson हमारी भाषा के बारे में पढ़ेंगे. हम इस chapter में पढ़ेंगे भाषा क्या होती है, भाषा के भेद, भाषा के प्रमुख अंग, उल्लेखनीय तथ्य तथा इस पाठ पर आधारित प्रश्न. तो चलिए हम पढ़ते हैं भाषा क्या होती है. भाषा भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरे के भावों और विचारों को जाना जाता है. बच्चों, भाषा वह होती है जैसे हम कोई किसी के मन में क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाहता है, वो जिस तरह हम उसे बताता है उसे हम भाषा कहते हैं. जिस माध्यम से वो हमें उसे बताता है उसे हम भाषा कहते हैं. अब हम जानेंगे भाषा के भेद. भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा. मौखिक भाषा, मौखिक भाषा को हम बोलकर या सुनकर समझते हैं. ठीक है, मौखिक भाषा में कोई बोलता है तो हम सुनते हैं. ठीक है, कोई बोलेगा तो दूसरा उसे सुनेगा. दूसरा होता है लिखित भाषा. लिखित भाषा पढ़कर या लिखकर समझी जाती है. कोई जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो दूसरा उसे पढ़कर समझेगा. ठीक है, जब हम बोलकर कोई चीज़ नहीं बताते हैं तो हम उसे लिखकर बताते हैं. तो अब जब हम लिखेंगे तो दूसरा उसे पढ़कर समझेगा. भाषा के प्रमुख अंग, भाषा के प्रमुख अंग चार हैं. भाषा के चार प्रमुख अंग होते हैं. पहला होता है बोलकर, दूसरा होता है सुनकर. जब हम कोई चीज़ बोलेंगे तो दूसरा उसे सुनकर समझेगा. तीसरा होता है लिखकर और चौथा होता है पढ़कर. जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो दूसरा उसे पढ़कर समझता है. उल्लेखनीय तथ्य, जब हम बोलते हैं तो हमें विभिन्न आवाज़ें निकालनी पड़ती हैं. आवाज़ों का भाषा में महत्वपूर्ण योगदान होता है. दूसरा उल्लेखनीय तथ्य है, इशारों व संकेतों को भाषा नहीं माना जाता है. ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को इशारों में बता रहे हैं तो वह भाषा नहीं है, क्योंकि हम अपनी सारी बातें इशारों में नहीं बता सकते. और जब हम सारी चीज़ें अपने इशारों में नहीं समझा सकते तो वह भाषा नहीं है. भाषा वह होती है जिसमें हम अपनी मन के हर भाव को बता सकें, दूसरे तक पहुंचा सकें. ठीक है, प्रश्न उत्तर. अब हम इस पाठ के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे. पहला प्रश्न है भाषा किसे कहते हैं. बच्चों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने हैं. आपको इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखना है और उन्हें लर्न भी करना है. ठीक है, दूसरा प्रश्न है भाषा के कितने भेद होते हैं. तीसरा प्रश्न है जब हम लिखते हैं तो दूसरा उसे क्या करेगा. जब हम बोलते हैं तो दूसरा उसे क्या करेगा. जब हम लिखते हैं तो दूसरा उसे क्या करता है, पढ़ता है. और जब हम बोलते हैं तो दूसरा उसे क्या करता है, सुनता है. क्या संकेतों और इशारों को भाषा कहते हैं. तो बच्चों, आप इन प्रश्नों को लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में और लर्न भी कर लीजिएगा. ओके, थैंक यू.